हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो पे। अभी हम एचआरए पे बहुत फोकस हैं क्योंकि एचआरए को लेके इतनी क्वेरी आ रही है, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि हमें भी लगा कि इसको तो पहले सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने भी एचआरए पे एक पहला वीडियो बना चुके हैं। दूसरा वीडियो हमारे एचआरए पे है कि अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर या बैंगलोर मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हैं और आपके पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिस पे लोन चल रहा है, लेकिन आप रेंटल प्रॉपर्टी पे रहते हैं, क्या आप एचआरए और लोन का बेनिफिट साथ साथ ले सकते हैं? इस क्वेरी को लेके हमें लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। इसका पहला जवाब यह है कि यस, आप कर सकते हैं। यानी आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं और लोन के अमाउंट को भी क्लेम कर सकते हैं। सही सुना, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट सावधानी, कहते हैं ना जब ड्राइविंग करें तो सावधानी बरते, सीट बेल्ट लगा लिया करें कि अगर एक्सीडेंट हो तो आप पे किसी तरह का इम्पैक्ट कम से कम है। तो यहाँ भी ये नियम लागू होता है कि ड्राइविंग विद सेफ, यानी कि अगर आप ये काम करते तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको सेफगार्ड लेना है, किस तरह से आपको सीट बेल्ट लगाना है और कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। पहली चीज़ कि आप क्लेम कर सकते हैं कैसे, मैं उसका एक एग्जांपल दूं। अगर दिल्ली को ही लें तो दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा है, अगर कोई आदमी गुड़गांव में जॉब करता है और वो अगर ईस्ट दिल्ली में रहता है या यूपी में रहता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो कम्यूट कर सके, क्योंकि जो कम्युनिकेशन टाइम ही है, आने जाने का जो टाइम है, वो लगभग एक तरफ से 2 से 2.5 घंटा आ सकता है। उसी तरह बैंगलोर है, उसी तरह से मुंबई है, उस तरह से और बड़े शहर है। यानी अगर टेक्निकली देखें तो ये पॉसिबल है कि आप उसी शहर में कहीं और रहते हो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिस पे आप आप कह सकते हैं कि आपने लोन ले रखा और उस लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ कि आप दोनों क्लेम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सावधानी क्या रखनी है। पहली चीज़ कि जब भी आप अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कंपनी को डिक्लेरेशन दे सकते हैं, आप एकदम कहते हैं ना आराम से लीगली दे सकते हैं। लेकिन जब भी जो व्यक्ति इस तरह का दोनों क्लेम करता हो, इनकम टैक्स की रडार पे होता है, यानी हमेशा आपको ना टैक्समैन बड़े माइन्यूटली देखता है कि कहीं आप कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं कर रहे हैं या किसी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं। ये सावधानी हमें बरतनी है जब हम ये काम करें। तो पहली चीज़ कि अगर हम एचआरए कैलकुलेशन की बात करें तो एचआरए कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। एक्चुअल एचआरए रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी मैं अभी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँगा। एचआरए कैलकुलेट कैसे होता है? एचआरए बहुत सिंपल होता है कि एचआरए जो आप अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करते हैं एक्चुअल, दूसरा होता है 50% ऑफ आपका बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, दोनों को जोड़ के 50%, और 40% होता है नॉन मोटर के केस में, और तीसरा होता है एक्चुअल रेंट पेड लेस देन ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो जो लोएस्ट होता है वो उसको देख लिया जाता है। यानी कि ये तो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है। दूसरा है कि 24 में आपको और 80C में, 24 मतलब आपको अगर होम लोन में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और कैपिटल पे कर रहे हैं, उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। यानी डबल बेनिफिट आप ले रहे हैं। जब डबल बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे ने आपने ये दोनों आपने बेनिफिट लिया, आप इनकम टैक्स की रडार पे हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको एकदम सिक्योर रखना है, क्योंकि इस केस में 99% चांसेज हैं कि आपको नोटिस आएंगे। जब नोटिस आएंगे तो आपके पास पहले से ही होना चाहिए कि जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और 1 लाख के ऊपर अगर पे कर रहे हैं तो जो लैंडलॉर्ड की पैन नंबर है वो ऑलरेडी सबमिट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक केस ये भी हो सकता है कि लैंडलॉर्ड के पास पैन नहीं, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। साथ के साथ अगर आप जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे ले रहे हैं उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं प्रॉपर्टी की ऑनरशिप, उस पर जो भी लोन ईएमआई ले रहे हैं उसके भी पेपर बहुत क्लियर होने चाहिए आपके पास, और ये भी प्रूफ होना चाहिए कि आप रेंटल रह रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। देखिए बहुत बार गवर्नमेंट ये भी कहती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली ये सही नहीं है, ये आर्गो देखा गया, लेकिन आपके पास उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि मैं एक ही एरिया में रहता हूँ, मेरा घर भी मेरे बगल वाले में है और वहीं पर रेंट पर रह रहा हूँ, तो थोड़ी सी ये चीज़ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकता है कि उस पर यह आर्गू करे कि मैं ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस देखें कि मैं गुड़गांव में काम करता हूँ और मेरा घर इस दिल्ली में है या फिर नोएडा में है,
तब इस चीज को कंसीडर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीआर एक ही एरिया है। उसी तरह बैंगलोर की अगर बात करें, आप ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में जाते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, तो इस तरह की टेक्निकल चीजें हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉम्बे भी अपने आप में बहुत बड़ी शहर है। तो मेट्रो सिटी में ये कंडीशन हो जाते हैं, नॉन मेट्रो के केस में ये रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। मेट्रो के केस में एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दोनों चीज़ों की होनी चाहिए, रेंटल जहाँ रहते हैं उसके भी डॉक्यूमेंटेशन, लीज डीड और सब कुछ। अगर आपने जो अपनी जिस प्रमाइस को आपने लोन ले रखा है उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन एज पर एक्ट, जो भी आपका लोन एग्रीमेंट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, प्लस जो क्लेम कर रहे हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। अगर आप प्रॉपरली उसको मैप कर रहे हैं तो कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है और आप दोनों क्लेम कर सकते हैं। सही सुना, दोनों क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सीट बेल्ट लगा के रखना है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंटेशन या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस केस में बहुत परेशानी हो सकती है। तो प्लीज़ वो काम आप ना करें, ये रिक्वेस्ट है कि उस तरह का कोई भी काम ना करें, अदरवाइज बहुत परेशानी हो जाएगी। और जितना आपने टैक्स सेव नहीं किया होगा उससे ज़्यादा की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नुकसान हो जाएगा। तो कृपया मैं अपने व्यूअर से अपील और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि देखिए, इस तरह का कोई भी गलत डॉक्यूमेंटेशन या किसी के सजेशन पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश ना करें, क्योंकि जो उसके कंप्लायंसेस के जो रिएक्शंस होंगे वो आप पे आएगा। अगर एज ए प्रोफेशनल मैंने फाइल कर दी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो ITR जा रहा है वो आपके नाम से जा रहा है। तो प्रॉब्लम जो भी होगा, जो भी नोटिस आएगा, वो आपको आएगा। तो कृपया इस तरह के जो कुछ लोग जो ज्ञान देते हैं गलत, उससे थोड़ा सा बचें। और साथ के साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखें, बहुत बार देखा गया है कि रिफंड के चक्कर में ये सब होता है। तो प्लीज़ आप एकदम जो आपका 26 ईयर्स कहता है उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड करें, उसके अलावा किसी भी तरह का गलत डॉक्यूमेंट आप ना दें। आज के डेट में डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना वेल इक्विप्ड है, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हर चीज़ को चेक किया जा सकता है और हर चीज़ ऑटोमेटेड है, जो कि बार बार चेक हो रहा है। तो प्लीज़ किसी भी तरह की गलती ना करें, लेकिन अगर आपका जेन्युइन कंडीशन है, जेन्युइन आपके ग्राउंड्स हैं, आप बिना टेंशन के आप दोनों बेनिफिट ले सकते हैं। तो खैर, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ जो इस तरह की किसी कंडीशन में कोई आपके मित्र हो, उनको ये वीडियो भी जरूर रेफर करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स लॉट।